हाय गाइस, आज मैं एक नया टॉपिक लेके आया हूँ जो कि RSI स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी ट्रेडर में कैसे बना सकते हैं और कैसे सीख सकते हैं और कैसे बना सकते हैं और कैसे टेस्ट भी कर सकते हैं, हम आज बताएंगे ये वीडियो के ऊपर। स्ट्रेटेजी तो आपको कैसे पता है, आपको बनाने के लिए, क्रिएट करने के लिए आपको सीधा स्ट्रेटेजी होम पेज में जाने का और स्ट्रेटेजी में क्लिक कीजिए और क्रिएट करेंगे तो ऐसा वाला पेज ओपन हो जाएगा। ओके, तो वीडियो जरूर एंड तक देखिए और क्योंकि आप मिस करेंगे तो आपको कुछ मैं ऐसा कुछ ट्रिक बता दूंगा जो कि वो हेल्पफुल है 100%। मोस्टली मैं मेरा जितना भी स्ट्रैटेजी है मैं वो कीवर्ड यूज़ करता हूँ, तो आप ज़रूर ये वीडियो लास्ट तक देखिए। ओके, तो अभी आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। जैसे ही मैं नया स्ट्रैटेजी या नया दूसरा टाइप कुछ वीडियो में बनाऊंगा या अपलोड करूंगा तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन चला जाएगा और आप वीडियोस के साथ अपडेट हो जाएंगे। ओके, मैं अभी ये जो स्ट्रैटेजी में RSI के ऊपर बताना चाहता हूँ तो कॉल में जिसमें जस्ट मेंशन किया है, लिख के रखा है कि जो कॉल एंट्री है कितना होना चाहिए, RSI ग्रेटर देन 30 होना चाहिए एंड बिलो 35 होना चाहिए। ओके, और एग्जिट कभी होएगा, RSI 55 जब भी हो, बिलो सॉरी अबव 55 जब भी होएगा तभी वो एग्जिट हो जाना चाहिए। ओके, हम ज़्यादा भी होल्ड कर सकते हैं, वो आपका हिसाब से आप सेटिंग चेंज कर सकते हैं। ओके, पुट एंट्री कभी होएगा, RSI जब भी 65 से अबव रहेगा और 70 से नीचे रहेगा तभी RSI पुट के लिए एंट्री लेगा, और एग्जिट होएगा कभी RSI 45 से बिलो जा रहा है, सॉरी इधर गलत मैंने लिखा है, तो बिलो जा रहा है तो एग्जिट हो जाएगा। ओके, सो ये जो हमने लिखा है इसको स्ट्रैटेजी में कैसे कन्वर्ट करते हैं ट्रेडर में वो आज देखेंगे। पहले देखते हैं तो ये जो चार्ट है, मैं एक निफ्टी का फ्यूचर चार्ट ओपन करके रखा है, तो ये चार्ट में देखते हैं कि कैसे एक्चुअली काम करता है या नहीं, स्ट्रैटेजी नहीं करता है। ये आप हमने RSI लगा दिया है, RSI में आप देखेंगे तो ये 30 के बिलो 30 के नीचे, ओके 30 से 35 के, जैसे ही आप 30 के 35 के अंदर है तो ये ट्रेडर, देखो आप ट्रेडर स्ट्रैटेजी में अभी आप बना देंगे तो सीधा प्रॉफिट ही देखे जाएगा, सीधा मार्केट बूम हो गया है। तो ओके, आज का डेट 27 मार्च 2023 है 2023, तो आप देख सकते हैं ये आज का डेट का। इधर बाद में बोला था क्या, 65 से अबव और 70 से नीचे, इधर देखिए अब 65 का अबव है, 65 टू 70 का अबव है, देन तुरंत मार्केट गिर गया, आपको इधर प्रॉफिट मिलेगा। ये इतने ये किधर के 35 पे अबव है, अबव 30 टू 35 पे, इक्वल टू 35, देन मार्केट सीधा बूम मारा, देखो आप। ओके, तो आप इधर भी एंट्री ले सकते हैं बट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, वो आपके हिसाब से आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं। मैं भी आपको 35 के जगह 40 कर दीजिए, देन कुछ इशू नहीं है, 40 के हिसाब से वो ट्रेडिंग एंट्री ले लेगा, एग्जिट ले लेगा, 60 कर देंगे तो उसके हिसाब से वो एग्जिट ले लेगा, बट आपको एक स्ट्रैटेजी इसके मीनिंग काम करते हैं। दूसरा दिन कभी भी देखते हैं, कभी भी कोई भी चीज़ देखिए, अभी ये 30 का ऊपर है भाई, देखो तुरंत बूम मार दिया सीधा, इधर से 65 से ऊपर है और 70 से नीचे है तो सीधा डाउन आ रहा है ट्रेंड, देखो इधर भी ट्रेंड डाउन आ रहा है और इधर भी ट्रेंड फुल गिर गया है इस मार्केट में। ओके, तो मैं ज़्यादा बताना नहीं चाहता हूँ, इसमें ज़्यादा टाइम पास नहीं करना चाहता हूँ, सीधा हम स्ट्रैटेजी बनाने के लिए देखेंगे और स्ट्रैटेजी बनाते हैं, चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। स्ट्रैटेजी को बनाने के लिए कैसा है, अभी आपको मैं बताया कैसे बनाना है, स्ट्रैटेजी में क्लिक करना है, क्रिएट में करना है, तो ये पेज ओपन हो जाएगा। ओके, तो ये पहला सेट वन है, एक ही सेट रहता है मोस्टली, बाद में यूनिवर्सल एग्जिट है, हमको दो सेट बनाना है एक्चुअली, तो हम और एक सेट भी बना देते हैं और इसमें बाद में क्रिएट कर देना है। ओके, ये क्रिएट कर देना है, नेम इज रिक्वायर्ड, सो हम इधर लिख देते हैं RSI स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी, RSI स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी। ओके, सो हमने क्रिएट कर दिया स्ट्रैटेजी,
आप देख सकते हैं कॉन्ग्रेचुलेशन स्ट्रैटेजी इज क्रिएटेड, क्लोज कर दीजिए, देन स्ट्रैटेजी ओपन हो गया। हमको अभी सेट वन में कंडीशंस लिखना है। ओके, कंडीशंस लिखना है तो क्या है, हमको टाइमिंग देखना है। हम टाइम देखते हैं, टाइम कीवर्ड लगाएंगे, ऑटोमेटिक वो NAC आ जाएगा। आपको NFO करना है तो NFO कर सकते हैं, बट मोस्टली NAC रखिए, बेस्ट रहेगा। NAC हम क्योंकि हम निफ्टी के ऊपर बनाने जाते हैं तो निफ्टी के ऊपर हम ट्रेड मतलब NAC के ऊपर हम टाइम लेंगे। ओके, टाइम इज ग्रेटर देन इक्वल टू नंबर, नंबर का कीवर्ड यूज करेंगे हम, 916। ओके, तो और एक कंडीशन ऐड करेंगे, मैं लास्ट में एक कीवर्ड बताऊंगा, अभी फिलहाल मैं RSI का डायरेक्ट मैं बता देता हूँ। ओके, RSI के लिए क्या है, पोजीशन लिखिए, पोजीशन इसमें एक चूज में क्या करना है, RSI क्लिक करना है, टाइप करना है, RSI लिखो ये -1 कैंडल। ओके, करेंट कैंडल लिख सकते हैं बट -1 करेंट कैंडल वो अच्छा रहेगा, बेस्ट रहेगा। ओके, -1 कैंडल बोले तो क्या है, अभी मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ये। ओके, RSI इधर बिलो 29, 30 के अबव रहे ना, इधर हमको एंट्री लेने का है, तो इधर एंट्री ले रहा है तो क्या करना है, देखिए आप, ये करेंट कैंडल हो गया। ओके, दिस द करेंट कैंडल मीन्स 0, दिस वन इज -1, प्रीवियस कैंडल बोले तो -1। हमको ट्रेडर में ऐसा बताना पड़ता है कि भाई स्ट्रैटेजी को तो मालूम नहीं ना प्रीवियस कैंडल कौन सा है, तो उसको कोड में बताना चाहते बताएंगे तो उसको -1 बताएंगे, और ये कोड में 0 है, और ये रहेगा तो -2 है। तो मान लीजिए ये इसको क्या बताएंगे, इसके हिसाब से ये 0 है, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7। ओके, तो आप ऐसा कैलकुलेट कर सकते हैं, जो करेंट कैंडल है वो 0 है, राइट, जो करेंट कैंडल है वो 0 है, जो प्रीवियस कैंडल है -1 है। ओके, तो हम इधर -1 रखेंगे, इंस्ट्रूमेंट सिलेक्ट करेंगे, इंस्ट्रूमेंट NFO, निफ्टी 50, देन क्लोज, क्योंकि निफ्टी स्पॉट में हम लोग चेक कर रहे हैं। आपको मान लीजिए फ्यूचर में करना है तो इधर क्लिक कीजिए और सीधा नीचे आ जाइए, करेंट मंथ सिलेक्ट कर दीजिए, पर फिलहाल मैं स्पॉट में कर रहा हूँ, मेरे को ज़रूरत नहीं है। ओके, तो सिंबल में क्लिक कीजिए, सिंबल में डे 5 मिनट का कैंडल कर दीजिए। ओके, आपको 3 मिनट में करना है तो 3 मिनट कीजिए, 1 मिनट में करना है तो 1 मिनट भी कर सकते हैं। ओके, तो सिंबल हो गया, और क्या RSI का पीरियड कितना चाहिए, मान लीजिए मैं 14 रखना चाहता हूँ, मान लीजिए तो मैं 14 रख दिया RSI पीरियड। ओके, तो RSI पीरियड इतना हो गया, तो ग्रेटर देन होने का, ग्रेटर देन और इक्वल टू नंबर, मैं इधर कॉपी कर लेता हूँ, नंबर हमको कितना चाहिए, 30 चाहिए। ओके, तो हमारा स्ट्रैटेजी के हिसाब से हमने जो रखा है तो 30 रखा है। फिर और एक कंडीशन ऐड करेंगे, RSI को सेम कॉपी कर लेंगे और इधर बिलो लिखेंगे, ग्रेटर देन सॉरी स्मॉलर देन इक्वल टू 35। ओके, तो ये हमारा स्ट्रैटेजी बन गया। ओके, मैं इसमें और एक चीज़ ऐड करूँगा, लास्ट में मैं बताऊँगा वो क्या है। ओके, तो अभी ये बनने के बाद ये सी के लिए पोजीशन बनाया हमने। ओके, इसमें ऐड करेंगे एक्सचेंज में NFO, कॉल, निफ्टी, ओके, नॉर्मल कर सकते हैं, इंट्राडे भी कर सकते हैं, MIS कर देते हैं, ATM प्राइस करेंगे, करेंट वीक, क्वांटिटी तो नहीं रहेगा हमको, क्योंकि ऑप्शन में ट्रेड करेंगे तो लॉट्स में रहेगा, 1 लॉट हम बाय करेंगे। ओके, तो सी का हमने कंडीशन बना दिया, एंट्री कंडीशन कॉपी कर लेते हैं, पी के लिए हम बना देते हैं, पी के लिए कंडीशन क्या है हम इधर देख लेते हैं, 30 30 का भी रखा था, और पुट एंट्री के लिए 65 टू 70, 65 से अबव होना चाहिए, 70 से नीचे होना चाहिए। ओके,
तो हम इसको तो एडिट कर लेते हैं, ग्रेटर देन 65 राइट, स्मॉलर देन 70। आप ये वैल्यू चेंजेस कर सकते हैं, कुछ इशू नहीं है, आपके हिसाब से मॉडिफाई कर लीजिए। तो कभी भी आप कुछ स्कोर लिख रहे हैं देन अपडेट कर लीजिए, एवरी टाइम आप अपडेट करना पड़ेगा, क्योंकि इन केस आप कुछ नेट कट हो रहा है या नेट का कुछ डिस्टर्बेंस हो गया या कुछ शट डाउन हो गया या कुछ एरर हो गया, देन आपको पूरा जितना भी लिखा आपने कोडिंग किया था देन वो गलत हो जाएगा, वो मिसिंग हो जाएगा। तो उससे अच्छा आप जितना कोडिंग बनाया आपने तो वो सेव कर लीजिए, मीन्स अपडेट कर लीजिए। ओके, तो एंट्री कंडीशन बन गया, बट इधर हमने ऐड नहीं किया, इधर पेस्ट करना पड़ेगा हमको NFO। ओके, पुट अंडरलाइन ये निफ्टी, सॉरी ओके इधर हमने निफ्टी 50 रख दिया और MIS कर दिया नॉर्मल के जगह और ATM रख दिया हमने। ओके, सो करेंट मंथ नहीं चाहिए, करेंट वीक चाहिए हमको, करेंट वीक क्वांटिटी के जगह हमको लॉट्स चाहिए, 1 लॉट। ओके, और देन आप क्लोज कर सकते हैं सीधा। ओके, हमको एक्चुअली पी का भी हो गया और सी के भी एंट्री पोजीशन हो गया। तो एंट्री में मैं और एक कंडीशन में बताऊंगा जो कि आपको ऐड करना है, जो कि आपको फ्यूचर में यूज है, और मैं कभी भी मेरा वो जो कीवर्ड है हम कभी भी कौन सा भी स्ट्रैटेजी में बनाऊंगा तो वो ऐड करता हूं। ओके, एग्जिट कंडीशन में हमको क्या है, RSI बिलो हमको चाहिए था, पेस्ट कर लेते हैं, इसको एडिट कर देंगे, ये कीवर्ड नहीं चाहिए हमको, हमको इसमें एबव चाहिए, सॉरी एबव 55 रहेगा ना, एबव 55। ओके, 55 रहेगा तो हमको एग्जिट हो जाने का। ओके, और इस नीचे वाला में क्या है, हमको बिलो चाहिए, बिलो कितना चाहिए, देखिए 55 में सी एग्जिट हो जाने का और पुट का भी एंट्री एग्जिट होएगा 45 में। ओके, एडिट, पहला वाला कंडीशन नहीं चाहिए, दूसरा वाला हमको नहीं चाहिए, लेस देन 45। ओके, 45 से नीचे जाएगा तो यह हमारा काम हो जाएगा, मतलब बंद हो जाएगा, सीधा एग्जिट हो जाएगा स्ट्रैटेजी, दोनों स्ट्रैटेजी का एग्जिट पॉइंट भी हो गया। हम अभी सेव कर लेते हैं, क्लोज। अभी यूनिवर्सल एग्जिट में जाते हैं, यूनिवर्सल एग्जिट में हम कुछ लिखते हैं, इसमें कोडिंग करते हैं जो कि PNL लिखते हैं, PNL PNL कितना है, ग्रेटर देन इक्वल टू 500 नंबर लिखेंगे। ₹500 हो गया तो मेरा बहुत हो गया भाई। और एग्जिट का भी है ना, है टाइम लिखना है, NSE ग्रेटर देन 15। ओके, स्मॉलर ध्यान लिखना है, अभी नहीं तो इक्वल टू लिख देते हैं, इक्वल टू लिख देते हैं, मैक्सिमम 315 को सीधा वो एग्जिट हो जाएगा। ये और लिखना है, एंड नहीं चाहिए हमको, और चाहिए, और एक बार देखते देख लेते हैं, इक्वल टू और ओके देन सेव अपडेट। अभी हमारा ये जो कंडीशन है, हमको अभी एंट्री का कंडीशन हो गया क्या, और एक बार देख लेते हैं, 916 का एबव होना चाहिए टाइम, और RSI 30 का एबव रहना चाहिए, 35 से नीचे होना चाहिए, तो सी बाय हो जाएगा।
और वो एग्जिट कभी होएगा, जैसे ही RSI 55 का अबव जा रहा है या 55 हो रहा है देन वो एग्जिट हो जाएगा स्ट्रैटेजी वन। स्ट्रैटेजी टू में क्या है, स्ट्रैटेजी टू में टाइम 9:15 से अबव होना चाहिए और RSI 65 का अबव होना चाहिए और 70 से नीचे होना चाहिए तो स्ट्रैटेजी एंट्री लेगा, पी में एंट्री लेगा। ओके और एग्जिट कभी होएगा, RSI 45 से बिलो जा रहा है देन एग्जिट हो जाएगा, नहीं तो यूनिवर्सल एग्जिट में 500 से या 500 या 500 से ज़्यादा हो रहा है तो स्ट्रैटेजी एग्जिट हो जाएगा। ओके नहीं तो टाइम 3:15 को एग्जिट हो जाएगा, नॉर्मली यूनिवर्सल एग्जिट हो जाएगा। क्लियर? तो अभी मैं और एक जो कंडीशन बताने वाला हूँ, ये कंडीशन आपको कोई भी स्ट्रैटेजी में यूज़ कर सकते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो हमको नेट क्वांटिटी चेक करना है। ओके तो नेट क्वांटिटी इंस्ट्रूमेंट, ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट एक्चुअली। ओके ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट क्लिक करना है, एंट्री अंडरलाइंग निफ्टी 50, स्ट्रैटेजी वन। ओके ये इक्वल टू क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए नंबर। ओके नेट क्वांटिटी पोजीशन जो मान लीजिए हमारा स्ट्रैटेजी वन में, मतलब सेट वन में, ये जो सेट वन में ऑलरेडी एंट्री हुआ है, फिर वापस और एक एंट्री नहीं होना है क्योंकि वो एग्जिट होने के बाद एंट्री होएगा तो ठीक है, बट डायरेक्ट और एक एंट्री है फिर वापस और एक एंट्री लेगा फिर वापस और एक एंट्री लेगा ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो हमको सिंगल एंट्री लेना है, इनकेस क्वांटिटी नहीं है तो तब भी एंट्री लेना है। ओके तो उसमें और भी करना है, और एक भी ऐड करना है कंडीशन, इसमें कंडीशन टू नेट क्वांटिटी पेस्ट कर लेते हैं प्लस। ओके इसमें क्या करना है, इसमें नेट क्वांटिटी को दो करना है, सेट नंबर टू भी इनकेस एंट्री है तो ये एंट्री नहीं लेना है। ओके सेट नंबर टू भी एंट्री है देन इसको भी एंट्री नहीं लेना है। क्लियर? अभी क्या क्या कंडीशन हमने डाला, 9:16 के अबव होना चाहिए, नहीं तो 9:16 होना चाहिए, और RSI 30 के अबव होना चाहिए और 35 से नीचे होना चाहिए, और सेट वन में और सेट टू में दोनों में क्वांटिटी जीरो है, पोजीशन कुछ भी नहीं है तो एंट्री सी में लेगा। ओके सेम कंडीशन पी में भी डालना है। ओके फटाफट कर लेते हैं नेट क्वांटिटी। ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट्स ओके ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट स्पेस 50 50 सेट नंबर टू, ये टू नहीं है कंडीशन नंबर वन देन वन। ओके सो इक्वल टू नंबर इक्वल टू नंबर जीरो। देन सेम हमको सेट वन के लिए भी डालना है, क्लियर? तो अभी हम चेक कर लेते हैं, 9:16 होना चाहिए अबव टाइम और RSI अबव 65 बिलो 70। ओके नेट क्वांटिटी 211 इज इक्वल टू जीरो, सेट नंबर टू कंडीशन नंबर वन लेग नंबर वन इज इक्वल टू जीरो होना चाहिए, सेट नंबर वन कंडीशन नंबर वन लेग नंबर वन इज इक्वल टू जीरो होना चाहिए, दोनों सेट में कंडीशन नेट क्वांटिटी जीरो है तो पी में एंट्री लेगा नहीं तो नहीं लेगा। ओके तो अभी हमारा स्ट्रैटेजी जो है वो क्लियर हो गया, तो अभी आप ये इसको फॉलो कर सकते हैं और इनकेस चाहिए तो आपको एडिट करना है तो कुछ वैल्यू देन आप एडिट भी कर सकते हैं, नहीं तो हमको ये 500 रुपया टारगेट दिया देन वो एग्जिट हो जाएगा।
मान लीजिए आपको 500 का जगह 1000 रखना है तो आप रख सकते हैं, बट वो एडिट करना पड़ेगा, 500 का जगह आप 1000 रख दीजिए। कि 300 रखना है तो 500 का जगह 300 आप सेट कर लीजिए। कि RSI का वैल्यू 30 रखना है, 30 का जगह 25 रखना है तो आपको 25 सेट कर दीजिए। 25 कहाँ सेट करना है, वे एडिट में क्लिक करना है और इसमें 25 कर देना है। ओके, तो ये 40 तक रखना है तो आपको ये मतलब RSI बिलो 40 होना चाहिए तो इधर क्लिक करना है, सीधा इधर 40 लिख देना है। ओके स्टार्ट। इनकेस आपको दूसरा कुछ वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए मुझे, और सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल को और लाइक कीजिए। नया नया कुछ वीडियो चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए, और थैंक यू सो मच।